नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भूकंप के झटके लगातार दहशत का माहौल बना रही हैं। एक तरफ दुनिया में उल्कापिंड की टक्कर से विनाश होने का खतरा मंडरा रहा था, दूसरी ओर अब दोस्तों भूकंप आ गया है। देर रात पृथ्वी के बगल से उल्कापिंड गुजरा है और उल्कापिंड गुजरने के साथ साथ ही जबरदस्त भूकंप आ गया है। कनाडा की धरती हिल चुकी है। जी हाँ, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में प्रशांत महासागर के तट पर 6.6 की रफ्तार से ताबड़तोड़ भूकंप आया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे भारतीय समय के अनुसार देर रात दोस्तों जब भूकंप आया था तो उसी वक्त दोस्तों कोलंबिया ब्रिटिश के अंदर जबरदस्त भूकंप आया है, जिसके चलते लोगों में दहशत मच गई है। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि अभी भूकंप से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपने घरों से निकलकर खाली मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। वहीं अमेरिका के नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी आने के किसी तरह के अभी खतरे का अलर्ट जारी नहीं किया है। एक बार फिर से भूकंप आया है, जिसके चलते लोगों में दोस्तों कपकपी मच रही है। बता दें कि हमने आपको पहले ही कहा था कि दोस्तों उल्कापिंड गुजरने के साथ साथ पृथ्वी पर आंधी तूफान और जबरदस्त भूकंप आ सकता है। तो आंधी तूफान भी आ गया है और भूकंप भी आ गया है। भूकंप तो दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर महसूस किया गया है, जबकि चाइना के अंदर विनाशकारी तूफान आ गया है। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस समय चाइना के अंदर जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, धरती कांप गई है। और दोस्तों तूफान के चलते पूरे चाइना के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता देखिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो रही हैं, हजारों पेड़ गिर गए हैं, लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहां पर ब्लैकआउट हो गया है। इसके अलावा सूरज के अंदर भी ब्लास्ट हुआ है, यानी कि पृथ्वी पर सौर तूफान भी आ रहा है। कई देशों में ब्लैकआउट भी हो सकता है। इस समय वियतनाम की बात करें तो यहां दोस्तों ब्लैकआउट हो गया है, यहां बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उल्का पिंड गुजरा तो भूकंप और दोस्तों तूफान एक साथ दोस्तों तबाही लेकर आया है। नासा ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि उल्कापिंड भले ही दोस्तों पृथ्वी से ना टकराए, लेकिन उल्कापिंड की हलचल पृथ्वी पर जरूर देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ 6.6 की रफ्तार से भूकंप आया है और ये भूकंप चंद्र ग्रहण से पहले आया है, यानी कि चंद्र ग्रहण से पहले धरती पर उथल पुथल मच रही है। एक साथ कई तबाही सामने आई है। उल्कापिंड, सौर तूफान, भूकंप और तूफान। आप सभी से विनती है कि आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।